हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11। ठीक है, तो अभी तक क्लास वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जिसका क्वांटम नंबर क्या हो, पहला n = 4 और ms = -1/2। स्पिन क्वांटम नंबर ms भी हो सकता है और s = भी क्या होता है, -1/2, या फिर ये लिख लो ms या फिर s। तो n = 4 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर n = 4 कितने हो जाएंगे, 2n स्क्वायर होता है, इसका मतलब 2 into 4 का स्क्वायर कितने, 2 into 16 कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स, n is equal to 4। n is equal to 4 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उसमें हमें कौन से चाहिए जिसका ms -1/2, तो इन 32 में से 16 का ms क्या होगा, +1/2, और 16 का ms क्या होगा, -1/2, है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनका क्वांटम नंबर ये है वो कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं है तो डिटेल में आई कैन एक्सप्लेन यू। n = 4 में l = क्या होगा, 0 1 2 एंड 3। तो 0 में देखिए ये क्या हो गया, 4s अगर हम लोग बनाएंगे, ये बना 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 का मतलब 4p में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 मतलब कि 4d, इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसका मतलब क्या हो गया, l equal to 3 का मतलब 4s, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 6 10 एंड 14। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो ऊपर की तरफ ओरिएंटेड है ये, इनका ms कितना है, +1/2, और इनका ms कितना है, -1/2। ठीक है, जो नीचे की तरफ ओरिएंटेड है उनका ms स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, -1/2, और जो ऊपर की तरफ ओरिएंटेड है उनका स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, +1/2। तो आप केवल हमें कौन सा चाहिए, n = 4 में जो नीचे की तरफ ओरिएंटेड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो आपके क्या हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें आधे ऊपर की तरफ ओरिएंटेड होते हैं और आधे नीचे की तरफ ओरिएंटेड होते हैं। तो दिस वाज आवर ए पार्ट, इसी का बी पार्ट भी आप देख लीजिए। बी पार्ट में क्या कह रहा है, n = 3 एंड l = 0, n = 3 और l = 0 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो n 3 है और l 0 है, 0 का मतलब s, तो 3s हो गया, 3s, तो 3s में केवल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बी पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि 3 का s एक ऑर्बिट बनेगा उसमें, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं s में, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 31। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में क्या कह रहा है कि जैसे ये हमारा क्या ऑर्बिट है, ये हमारा क्या है ऑर्बिट, हां इस ऑर्बिट का रेडियस क्या है r1, इसका रेडियस क्या है r2, इसका रेडियस क्या है R3, ऐसे ही अगर ये nth नंबर है, समझ लीजिए nth ऑर्बिट है। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा Rn। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है, वो ये क्या कह रहा है कि हमें क्या प्रूफ करना है, जो सर्कमफ्रेंस है, क्या है, जो सर्कमफ्रेंस है आपका किसका ऑर्बिट का, वो किसके बराबर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर है। मतलब कि वो कह रहा है 2π Rn is equal to integral multiple of de Broglie's wavelength, ये हमें प्रूफ करना है, 2π Rn is equal to integral multiple of de Broglie's wavelength, तो इसको हमें प्रूफ करना है। अब हमें पता है
MVRL is equal to N into H upon में 2 pi. Bohr's postulate था, ठीक है? अब 2 pi को हम इधर ला सकते हैं, तो इसका मतलब 2 pi RL multiplied by MV is equal to N into H. अच्छा, इस MV को आप उधर ले जाइए, ये MV को इधर ले आइए, 2 pi तो इधर आ गया, तो मतलब 2 pi RN is equal to N into H upon में MV. अच्छा, H upon में MV क्या होता है? Since lambda is equal to क्या होता है? H upon में MV, de Broglie formula. तो 2 pi RN is equal to N into lambda. ये हमारा 2. अगर first radius है तो 1, 2 radius है तो 2, 3rd radius है तो 3, 4th radius है तो 4. ये हमारा proof होता है. तो किसी भी orbit का जो circumference है, अगर 3rd orbit है तो वो क्या होगा? 3 into lambda. 4th orbit का circumference ले रहे हो तो 4 into lambda. 5th orbit का circumference ले रहे हो तो 5 into lambda. इस तरीके से ही हमारा चलेगा. तो ये हमारा क्या था? Question number 32 था. Now let's move on to the next question, that is question number 33. अब हम करेंगे question number 33. Okay? तो जब हम question number 33 देख लेते हैं, क्या है? कि what transition of hydrogen spectrum would have same wavelength as Balmer for helium? N is equal to 4 to 2. अच्छा, helium का कितना है? 4 to 2 है, ठीक है? तो इसमें जो हमें wavelength मिल रही है, same हमें wavelength चाहिए किसके लिए? For hydrogen के लिए. किसके लिए चाहिए same wavelength? हमें किसके लिए चाहिए? For hydrogen के लिए भी हमें सेम वेवलेंथ चाहिए, ठीक है? 4 से 2 है तो हमें हाइड्रोजन के लिए भी यही वेवलेंथ चाहिए. तो उसके लिए वो पूछ रहा है क्या ट्रांजिशन होगा. तो यहां से वो क्या है, इसका मतलब जो हाइड्रोजन की वेवलेंथ है और जो हीलियम की वेवलेंथ है वो क्या होगी? सेम होगी. अच्छा, अब हाइड्रोजन की वेवलेंथ और हीलियम की वेवलेंथ क्या होगी? सेम होगी, ठीक है? तो इसका मतलब वेवलेंथ अगर सेम है तो वेव नंबर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो 1 by lambda h इसके बराबर होगा 1 by lambda h plus के बराबर होगा. तो 109677 into 1 upon में n initial का स्क्वायर minus 1 upon में n final का स्क्वायर is equal to 109677, ठीक है? अब यहाँ पे आपका जो है z स्क्वायर आ जाएगा. क्या आ जाएगा? z स्क्वायर, क्योंकि हीलियम है ना, तो z स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा. तो 1 अपॉन में 2 से 4 था, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन में 16, ठीक है? तो इसका मतलब 109677 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये और ये कैंसिल आउट हो गया. 1 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इनटू यहाँ पे आपका 16 एलसीएम आ जाएगा. तो ये जाएगा 4 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर, ठीक है? तो इज इक्वल टू 4 इनटू 3 बाय 16, फिर ये 4 4 का 16 हो गया, ठीक है? तो क्या है आपका? 1 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 बाय 4. अब आप n इनिशियल क्या ले लोगे? 1 ले लोगे, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? n इज इक्वल टू 1 में होता है. तो n इनिशियल आप यहाँ पे क्या पुट कर दीजिए? 1 पुट कर दीजिए और n फाइनल आपको मिल जाएगा. इसमें आप n इनिशियल क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे और आपको n फाइनल मिल जाएगा, ठीक है? सिंपल एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए. वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है कि हीलियम Hg+ का जो ट्रांजिशन है 4 to 2 है, उसकी कुछ वेवलेंथ है. सेम वेवलेंथ हाइड्रोजन में भी हमें मिल रही है, तो उसमें ट्रांजिशन क्या होगा? तो ये दोनों इक्वल रख दिया, ये और ये इक्वल हो गया. 1 बाय लैम्डा क्या होता है? वेव नंबर होता है. तो इसका वेव नंबर में ये फार्मूला लगा दिया, इसके वेव नंबर में भी यही फार्मूला लगा दिया, क्योंकि हीलियम है तो z स्क्वायर कर दिया तो 4 हो गया. तो इसको सॉल्व किया, हमारा ये आ गया. तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब नहीं दे रखा है तो हाइड्रोजन कहाँ से स्टार्ट होगा? एन इनिशियल क्या लेके चलेंगे? 1 लेके चलेंगे और आपका यहाँ से एन फाइनल आपका मिल जाएगा. तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ट्रांजिशन क्या आएगा? 1 एंड 2, 1 से
टू का ट्रांजिशन आएगा, एन इनिशियल आप वन लेके चलेंगे आपका एन फाइनल टू आएगा, आपका जो एन फाइनल आएगा वो क्या आएगा टू आएगा। ओके तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 33। ओके नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। That is question number 34. Question number 34. 34 क्या कह रहा है? Energy required for process. ये बहुत simple question है. आपका क्या है? देखिए Hg plus है. इसने क्या मिल रहा है हमें? Hg 2 plus मिल रहा है और एक हमें electron मिल रहा है. ठीक है? तो देखिए Hg से क्या मिल रहा है? Hg 2 plus मिल रहा है. मतलब कि लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया आपने? रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? टू। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है Hg+ में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां होगा? n इक्वल टू 1 में होगा, है ना? क्योंकि हीलियम है, Hg+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Hg+ कितने होंगे? 1 होंगे। और वो इलेक्ट्रॉन 1 कहां पे होगा? n = 1 में। अब आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो n = 1 के इलेक्ट्रॉन कहां तक गया? n = इंफिनिटी तक गया। तो डेल्टा E आपका क्या हो जाएगा? E इंफिनिटी माइनस E1। तो E इंफिनिटी तो हमारा 0 ही होगा, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा? 0 माइनस E1। तो डेल्टा E क्या हो जाएगा? माइनस E1 के लिए क्या हो जाएगा? माइनस का 2.18 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 80 इनटू Z स्क्वायर अपॉन में N स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2.18 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 80। अब Z की जगह कितना आ जाएगा? एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और अपॉन में n कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी एनर्जी हमारी इस प्रोसेस में इतनी एनर्जी लगेगी। आप फोर्सेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो उतनी एनर्जी हमारी लगेगी इस प्रोसेस में। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे सिंपल हमने आयनाइजेशन एनर्जी निकाल ली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव ही कर रहे हैं, Hg+ से Hg2+ बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। कहाँ से रिमूव कर रहे हैं? 1 से। तो 1 से कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इन्फिनिटी माइनस E1। सिंपल। नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 34। अब हम क्या देखते हैं? 35। अब जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है, और वो भी कौन सी क्लास की है? फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स है। देखो 35 और देखिए क्या दे रखा है। डायमीटर ऑफ कार्बन एटम इज, या देखिए क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का डायमीटर कितना दे रखा है? 0.15 नैनोमीटर। तो कितना हुआ? 0.15 × 10⁻¹⁹, है ना? क्योंकि 0.15 नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना हो गया? 0.15 × 10⁻¹⁹ मीटर। 0.15 × 10⁻¹⁹ मीटर। ओके, तो ये क्या हो गया आपका? 0.15 × 10⁻¹⁹ मीटर। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि the number of carbon atoms which can be placed in length of 20 cm. So, क्या? Number of carbon atoms which can be placed in length of 20 cm. तो 20 cm मतलब कि कितना हो गया? 0.2, है ना? 20 / 100 सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लिया? मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो कितने आपके आ सकते? अब आप देखिए, सपोज यहाँ से यहाँ तक ये कितना है आपका? ये लेंथ कितनी है?
20 सेंटीमीटर या फिर ऐसे लिख देते, कितनी आई हमारी 0.2 मीटर। ठीक, अब एक कार्बन एटम जब ऐसे करके आया तो ये कितना कवर कर रहा है यहां से यहां तक, 0.15 × 10⁻¹। ऐसे 2, 3, 4, 5 ऐसे कार्बन एटम आप लगाते जाएंगे यहां तक, और ये टोटल कितना आना चाहिए, n मान लो है ना, तो n कार्बन एटम सबका ऐड करते चले जाओगे तो ये आ जाएगा। तो क्या, लेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू n। तो इसका मतलब n को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 × 10⁻¹, तो n नंबर ऑफ कार्बन एटम जब आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 0.2 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 डिवाइड बाय 0.15 × 10⁻¹। इतने कार्बन एटम हमारे लगेंगे। ठीक है, तो फिर से देख लो वो क्या बोल रहा था, डायमीटर था कार्बन एटम का, कार्बन एटम का डायमीटर आपको दे रखा है इतना है, तो 20 सेंटीमीटर में कितने कार्बन एटम आएंगे ऐसे आप रख रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सोन n नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं। तो n इनटू दिस किसके बराबर होना चाहिए, 0.2 के बराबर होना चाहिए। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 अपॉन में दिस, तो इसको सॉल्व कर लो कि आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 36, आई गेस वो आप लोग कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 वो क्या कह रहा है कि 2 × 10⁸ एटम्स, क्या 2 × 10⁸ एटम्स ऑफ कार्बन, इतने कार्बन के हमारे एटम हैं वो अरेंज हैं साइड बाय साइड, इस तरीके से अरेंज है 1, 2, 3, 4 सो इस तरीके से अरेंज है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है जिसमें कि वो टोटल लेंथ तो यहां से यहां तक कितना आ रहा है आपका 2.4 सेंटीमीटर आ रहा है, या फिर तो क्या लिख सकते हैं 2.4 × 10⁻²। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, अब हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो पहले हम डायमीटर निकाल लें, तो लेट डायमीटर इज इक्वल टू डी मान लो। ठीक है, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स हो गए, तो एन इज इक्वल टू ये हो गया, तो ये मान लो इसका डायमीटर डी है, हाँ, तो टोटल क्या हो जाएगा 1D, 2D, 3D, 4D एंड सो ऑन टिल एन डी, टोटल n इंटू डी इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब n इंटू डी इज इक्वल टू 2.4 × 10⁻²। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर 2.4 × 10⁻², डिवाइड बाय n। इसका मतलब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.4 × 10⁻², डिवाइड बाय n हमें कितना दे रखा है, 2 × 10⁸, कितना दे रखा है, 2 × 10⁸ हमें दे रखा है। तो यहाँ से हमारा डायमीटर निकल आएगा, तो जब आपका डायमीटर निकल आएगा उसका हाफ करके आप रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतने एटम्स हैं कार्बन के, उनको हमने ऐसे ऐसे करके लगाया है साइड वाइज, तो कितना लंबा तक कहाँ तक लगाया, 2.4 सेंटीमीटर तक लगाया, या फिर 2.4 × 10⁻²  मीटर तक लगा है। तो वो पूछ रहा है इसका रेडियस कितना है, तो पहले हमें डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो एक लगाया तो डी, दो लगाया तो 2D, थ्री लगाया तो 3D, फोर लगाया तो 4D, ऐसे करते करते n नंबर मान लिए। तो इसका मतलब n इंटू डी तो इसके बराबर होना चाहिए, तो n इंटू डी इसके बराबर, और n हमें पता है कितना है, ये रहा, तो d इज इक्वल टू दिस अपॉन में n, n की वैल्यू पुट कर दी हाथ में ये वाली, तो डायमीटर आपका आ गया। अब डायमीटर निकल आया है, देन यू कैन इजीली फाइंड रेडियस, कैसे, डायमीटर का क्या कर दोगे आप, हाफ कर दोगे, डायमीटर का क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 हो गया। अब 37 ये क्या कह रहा है, ये भी सेम क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ जिंक इज क्या कह रहा है,
डायमीटर ऑफ विंग जो है वो कितना है आपका 2.6 एंगस्ट्रम, क्या है 2.6 एंगस्ट्रम। तो कैलकुलेट रेडियस ऑफ विंग इन पिकोमीटर, तो क्या कह रहा है कैलकुलेट रेडियस ऑफ विंग इन पिकोमीटर। तो पहले डायमीटर कितना है 2.6 एंगस्ट्रम है, मतलब डायमीटर कितना हो गया 2.6 × 10⁻¹⁰ मीटर। अब अगर हमें पिकोमीटर में करना है तो कर्व करना पड़ेगा, तो ये डायमीटर क्या हो जाएगा देखो। अब इस पॉइंट को अगर हम इधर बढ़ाते हैं, पॉइंट अगर इधर जाता है तो पावर क्या होती है आपकी सब्सट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 26 × 10⁻¹⁰ मीटर। फिर डायमीटर कितना हो जाएगा 260 × 10⁻¹² मीटर, ठीक है, क्योंकि पॉइंट यहाँ से यहाँ आया 11 हुआ, पॉइंट और उधर गया तो 0 आ गया, तो कितना हो गया 12 हो गया, कितना हो गया 12, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये हमारा डायमीटर हो गया, तो रेडियस कितना हो गया 260 / 2 × 10⁻¹² मीटर, तो 2 × 2 = 6, तो रेडियस कितना हो गया 130 × 10⁻¹² मीटर, या फिर रेडियस कितना लिख सकते हैं 130 पिको मीटर, क्योंकि 10⁻¹² को हम क्या लिख सकते हैं पिको लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले एंगस्ट्रम की जगह माइनस 10 आया, फिर पॉइंट को दो बार उधर खिसका आया तो माइनस 12 आ गया, डायमीटर था, रेडियस के लिए इसका हाफ कर दिया 130 हो गया ये, ठीक है, और ये 10⁻¹² था, ये टर्म पिकोमीटर हो गया, तो 130 पिकोमीटर, ठीक है। फिर उसी का नेक्स्ट पार्ट भी है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1.6 मीटर। अब ये आप आई गेस अपने आप कर लेंगे, डायमीटर आपका कितना है, ये आपका क्या है डायमीटर, ठीक है, और ऐसे आपके लगे हुए रिंग कितनी दूर लगे हुए 1.6 मीटर तक लगे हुए, 1, 2, 3, 4 ऐसे टिल 10। तो ये आपको डायमीटर कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी है 2.6 × 10⁻¹⁰। तो यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करोगे तो कितने n मान लिया, तो n इंटू 2.6 × 10⁻¹⁰ किसके बराबर होना चाहिए 1.6 के बराबर होना चाहिए, यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उतने जिंक के एटम हमारे लगेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था सेकंड पार्ट, ये पीछे कार्बन वाले क्वेश्चन की ही तरह था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 37। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्यू इज इक्वल टू एनी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है, मतलब क्यू दे रखा है कितना 2.5 × 10⁻¹⁶ कूलम। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है सिंस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, तो एन क्या हो जाएगा क्यू अपॉन में पी, तो एन क्या हो जाएगा क्यू कितना है आपका 2.5 × 10⁻¹⁶ अपॉन में ई की जगह 1.6 × 10⁻¹⁹ ये भी कूलम, ये भी कूलम, यहाँ से आपका एन निकला, ठीक है। अच्छा अगर आपको सॉल्विंग में प्रॉब्लम होती है तो हमेशा याद रखना, लेट मी एक्सप्लेन यू, वन कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वन कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्यू कूलम में कितने होंगे क्यू इंटू 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपका कितना है इतना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2.5 × 10⁻¹⁶ मल्टीप्लाइड बाय 6.25 × 10⁻¹⁸, इसको सॉल्व कर लोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, क्यों यहाँ पे जो n है ना इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 / 1.6 × 10⁻¹⁹ और ये 2.5 × 10⁻¹⁶। तो जो 1 / में ये जो वैल्यू है इसका जो सॉल्व होके आता है तो वो क्या आता है 6.25 × 10⁻¹⁸, तो फिर ये आपका यहाँ गया 2.5 × 10⁻¹⁶, तो ये हमारे क्या हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैच होगा, सिंपल क्यू इज इक्वल टू एन ई हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो
इसी में 39th क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो सेम है, बस चार्ज नेगेटिव में दे रखा है, तो आप मैग्नीट्यूड ले लेना और उसको सॉल्व कर लेना, तो उतने इलेक्ट्रॉन उतने जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसे ही 40-41 आप कर लेंगे सिमिलर तरीके से, ठीक है। तो 39 में भी आप यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 40 आप देखिए इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है शायद, 41 भी हो जाएगा आपसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, देखिए 42 अगर आपने परसेंटेज पढ़ी है मैथमेटिक्स में जूनियर क्लासेस में 7th और 8th में परसेंटेज वगैरह पढ़ा है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, ये आप आराम से बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, एक एलिमेंट है एन एलिमेंट विद मास नंबर, एन एलिमेंट विद मास नंबर कितना है 81, मास नंबर कितना है 81, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 81, मास को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कंटेन 31.7 मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो क्या है अब, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस क्या है आपका 31.7% सॉरी नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 31.7% ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस 31.7% ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है, उसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स से 31.7% ज्यादा है, ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को x मान लें, पहले तो मास नंबर की जगह क्या लिख लेंगे 81 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या मान लो x, ठीक, तो यहां पे x लिख लिया। अब प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कि x प्लस 31.7% ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन x, तो इसका मतलब 81 इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 31.7/100, ओके, तो इसका मतलब 81 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x x plus x प्लस 0.317x, तो 81 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.317x। ये आपका, यहां से आप क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, क्योंकि ये अपॉन में आ जाएगा, तो जैसे x की वैल्यू निकलेगी तो x क्या है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो अब वो x की वैल्यू अब यहां पुट कर देना, ठीक, और a आपको पता है 81, ठीक, तो यहां क्या आ गया आपका 81 इज इक्वल टू x की वैल्यू आपने यहां पुट कर दी, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गए, मतलब कि हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया, अगर तो हमें पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट है, अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया तो हमें क्या पता चल गया, एटॉमिक नंबर पता चल गया, ठीक है। तो इसमें सिंपल मैथमेटिक्स क्या है, देखो एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है, उसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन से इतना परसेंट ज्यादा है। अब हमें पता है जो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन को हमने x माना, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा x प्लस 31.7% ऑफ x, ओके, तो 81 इक्वल टू x प्लस 31.7/100x, तो ये ऊपर ये हो गया, तो यहां से x की वैल्यू निकल आई, तो x की वैल्यू निकल आई मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गए। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गए, 81 में से वो माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, तो आपको सिंपल पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43 भी सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सेम,
इसी का कॉपी है बिल्कुल, थोड़ा बहुत बस डिफरेंस है वही परसेंटेज वाला सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 43, ये क्या कह रहा है, एन आयन विद मास नंबर 37, एक आयन है यहाँ पे, एक क्या है आपका आयन है जिसका मास नंबर कितना है 37, मास नंबर कितना है 37, अच्छा, और वन यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, क्या वन यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है वन का नेगेटिव, तो यहां से देख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, अगर पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होते, अब क्योंकि नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से एक ज्यादा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक से नेगेटिव है वन यूनिट है तो इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा होगा प्रोटॉन से, जितने भी प्रोटॉन है उसमें वन प्लस कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन उतने होंगे, अगर टू यूनिट होता तो टू हो जाता, और अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो माइनस कर देते हैं उतना, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अच्छा आप क्या कह रहे हैं, 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा तो अब फिर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 11.1% ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारे क्या हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, तो यहां से देखिए आपका, तो अब ये 37 है, 37 इज इक्वल टू क्या है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्या है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक। अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप फिर से क्या मान लो, एक्स मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन को, या इसको मत एक्स मान लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक। तो अब यहां से देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एक्स प्लस इसकी जगह 11.1% ऑफ x, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा आपका x प्लस 11.1/100 x, ये न्यूट्रॉन हो गया, ठीक। तो इसका मतलब 37 इज इक्वल टू, इसकी जगह हम ये लेंगे x प्लस 11.1/100 x, ठीक। अच्छा अब इसको हमने x माना, यहाँ पे देखिए ये x माना, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ये उधर क्या x माइनस 1, तो प्रोटॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 1, ठीक है। अब ये माइनस का वन इधर कर लीजिए, ये माइनस का वन इधर कर लीजिए, तो 37 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका x प्लस 0.111x प्लस x, 38 इज इक्वल टू 2.111x, ठीक है, ये हमारा आ गया। फिर से यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, तो अगर आपकी x की वैल्यू निकल आएगी तो आपके क्या मिल जाएंगे, प्रोटॉन्स मिल जाएंगे, उसमें से आप 1 माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएंगे, प्रोटॉन मिल जाएंगे, अब वो प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, तो आपको आएगा पता चलेगा। फिर से देख लो ये आपका मास नंबर कितना था, 37 था, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, प्रोटॉन से एक ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को हमने x मान लिया तो x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या हो गया x माइनस 1, ठीक। अच्छा न्यूट्रॉन जो है वो 11.1% इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कितने, x प्लस 11.1% का स्क्वायर, और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू x प्लस 11.1/100 x, ये न्यूट्रॉन हो गया, ठीक। तो मास नंबर 37 क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन की जगह ये पुट कर दिया, प्रोटॉन की जगह ये पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, x निकल आया यहाँ पुट कर दीजिए तो प्रोटॉन निकल आएंगे, प्रोटॉन निकल आया यहाँ पुट कर दीजिए तो न्यूट्रॉन निकल आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके ये क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 34 आप अपने आप ट्राई कर लेंगे, 44 सेम पैटर्न है, 44 में भी सेम पैटर्न है, ठीक है।
45 भी आप कर लेंगे, 44, 45 आपसे हो जाएगा, ठीक है। Now let's move on to question number 46. अब हम किस क्वेश्चन पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है इसमें, कि नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस रेडिएशन ऑफ लैम्डा, दे रखते हैं आपको लैम्डा कितना है आपका 337.1 नैनोमीटर, ठीक है, वेवलेंथ हमें इतनी देनी थी, और नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड कितने है वो 5.6 × 10⁴। तो मैं पावर निकालनी है लेजर की, तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो भी निकले इनटू एनर्जी। तो एनर्जी क्या है आपकी, H into C by lambda. H Planck's constant, C पता है, lambda दे रखा है। ये इसको क्या कर लोगे? 337.1 × 10⁻¹ मीटर। ये यहाँ put कर देंगे, E निकल आएगा। तो जो भी आपकी एनर्जी निकलेगी, उसको आप number of photons से क्या कर देंगे? Multiply कर देंगे। जो भी हमारी एनर्जी निकलेगी, उसको इससे क्या कर देंगे? Multiply कर देंगे। तो power divided to क्या हो जाएगा? 5.6 × 10⁴ इनटू H इनटू C बाय लैम्डा। तो ये एनर्जी, ये क्या नंबर ऑफ फोटॉन, तो वो हमारी जो होगी पावर हो गया। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 46। नाउ 47, 48, 49 आप कर लेंगे इसी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है। तो क्वेश्चन नंबर 50 आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेसिकली। उसमें क्या है, दो वेवलेंथ दे रखी है, एक लैम्डा 1 दे रखी है, लैम्डा 1 दे रखी है और लैम्डा 2 दे रखी है। फर्स्ट वेवलेंथ कितनी है, 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर, और सेकंड वेवलेंथ कितनी है, 589.6 नैनोमीटर। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो न्यू 1 इज इक्वल टू C बाय लैम्डा 1, न्यू 1 निकल आएगा, और यहां पे न्यू 2 इज इक्वल टू C बाय लैम्डा 2, है ना। तो यहां से आपकी दोनों इसके रिलेटेड फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, इसके रिलेटेड फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, फिर दोनों की एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। तो E1 इज इक्वल टू H न्यू 1 और E2 इज इक्वल टू H न्यू 2, ठीक है। दोनों एनर्जी निकल आई, इन दोनों का क्या निकाल लोगे, डिफरेंस निकाल लोगे, डेल्टा ई निकाल लोगे यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस, ये एनर्जी और ये एनर्जी। तो इस वाली एनर्जी में से ये वाली एनर्जी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ऑब्वियसली ये वाली एनर्जी हमारी क्या आएगी, बड़ी है, बड़ी आएगी क्योंकि वेवलेंथ छोटी है, फिर 589 है, फिर 589.6 है, वेवलेंथ बड़ी तो एनर्जी कम, वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 अभी 50 तक रहने देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके।